नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय संस्कृत तृतीय पाठ है। कक्षा 8 विषय संस्कृत और तीसरा पाठ अपूर्व त्याग है। अपूर्व त्याग है, अनोखा त्याग। विशेषण और विशेषण इस पाठ में बताए गए हैं, तो सबसे पहले देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संस्कृत भाषा में विशेषण और विशेष्य के लिंग विभूति और वचन सदा सम्मान रहते हैं। तो अगर हमें किसी की विशेषता बतानी है तो जिसकी विशेषता बताएंगे वो तो विशेषण होगा, जिसकी विशेषता बताएंगे वो तो विशेष्य, और जो विशेषता है वो विशेष्य। तो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। तो विशेषता है वो तो विशेषण हो गया, और जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं वो विशेष्य हो गया। तो अभी इस बात में कुछ शब्द को उसने दिया है, तो उसमें कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, उनका अर्थ जानते हैं। नियुक्त है लगा दिया गया, नियुक्त है लगा दिया गया। समवयस्क है सम्मान आयु का, समवयस्क है सम्मान आयु का। प्रेषयत भेज दिया, प्रेषयत भेज दिया। स्वामिनम स्वामिनम स्वामी को, स्वामिनम स्वामी को। स्थासयति रहेगा, स्थासयति रहेगा। इतः यहाँ से। धात्री धारमाता या फिर पालन करने वाली। निष्कंटकम बिना बाधा का, निष्कंटकम बिना बाधा का। सैयायाम बिस्तर पर। करंट के कटोरे में। छिन्न है कटा हुआ। सब संतति अपनी संतान का। प्रसादार महल से। अब वर्ड मीनिंग हमने देख लिए हैं। पाठ का नाम है अपूर्व त्याग है। पाठ का नाम अपूर्व त्याग है, अनोखा त्याग। यहाँ धारमाता अन्नाधार का अनोखा त्याग है, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। अब हम पाठ को पढ़ते हैं। महाराणा संग्राम सिंह देवलोकम अगच्छत। महाराणा संग्राम सिंह देवलोक चले गए, यानी स्वर्ग लोग चले गए। तो उसके बाद में क्या होता है? तस्य पुत्र है उदय सिंह है, अधुना शिशुदेव आसीत। उसका पुत्र उदय सिंह उस समय शिशु था, यानी छोटा था, बालक था। अतः राजपूत प्रमुखा तस्य राज्याभिषेकम तु अकुर्वन्, परम दूरस्थ है एक संबंधी वन वीर है तस्य बालकस्य उदय सिंह से संरक्षण नियुक्त है। तो अतएव राजपूत प्रमुखा, इसलिए राजपूतों के जो प्रमुख थे, जो मुख्य मुख्य लोग थे, उन्होंने तस्य राज्याभिषेक, उसका राज्याभिषेक तो कर दिया। तस्य राज्याभिषेकम तु अकुर्वन्, उसका राज्याभिषेक तो कर दिया। किसका? उदय सिंह का। महाराणा संग्राम सिंह के मरने के बाद मेवाड़ के जो प्रमुख लोग थे, राजपूत प्रमुख थे, उन्होंने उदय सिंह का राज्याभिषेक तो कर दिया। लेकिन उस टाइम उदय सिंह क्या था? बालक था, छोटा था, शिशु था। तो परंतु दूर का एक संबंधी वनवीर, उसका नाम था वनवीर। तस्य बालस्य उदय सिंह से संरक्षक नियुक्त है, उस बालक उदय सिंह का संरक्षक नियुक्त किया गया, उस बालक उदय सिंह का संरक्षक उसे बनाया गया। बालक नृपस्य पालन पोषण पन्ना नाम एका धात्री करोति। बालक नृपस्य, बालक राजा का पालन पोषण, बालक राजा का पालन पोषण पन्ना नामक एका धात्री करोति। पन्ना नामक एक धात्री यानी धार माता
कर रही थी। किसका पालन पोषण? बालक राजा का यानी उदय सिंह का पालन पोषण पन्नाधार कर रही थी। तस्य स्वपुत्र चंदनः अपि सम वयसः आसीत्। उस समय उसका अपना पुत्र तस्य स्वपुत्र उसका अपना पुत्र स्वपुत्र अपना पुत्र चंदनः चंदन भी समान आयु का था। उस टाइम जब वह उदय सिंह की धार माता थी, उदय सिंह का पालन पोषण कर रही थी, तब पन्नाधार का जो बेटा था वो उदय सिंह की उम्र का ही था, समान आयु का था। तो यहाँ पे देखिए इस पैराग्राफ में हमें यहाँ पे तस्य बाल का उदय सिंह से, बाल से और उदय सिंह से यहाँ पे विशेषण और विशेष्य का प्रयोग हुआ है। एका धात्री एक धात्री में विशेषण विशेष्य का प्रयोग हुआ है। स्वपुत्र है चंदन से अपना पुत्र चंदन, इसमें भी विशेषण और विशेष्य का प्रयोग हुआ है। तो आगे देखते हैं, इतः राज्य प्राप्य वन वीर से मन से लोभ है आगच्छत। यह राज्य प्राप्त, यह राज्य यहाँ से राज्य प्राप्त करके, राज्य प्राप्त करके वन वीर के मन से यानी मन में लोभ है आगच्छत, लालच आ गया। अब यहाँ से ये राज्य प्राप्त करके वनवीर को उदय सिंह का संरक्षक रखा गया, संरक्षक नियुक्त किया गया। लेकिन यह राज्य प्राप्त करके वनवीर के मन में लालच आ गया। आगे है सह चिंतित, उसने सोचा। सह चिंतित वह सोचता है, उसने सोचा वह सोचता है यदि उदय सिंह न मरे थे, यदि उदय सिंह नहीं होगा तही अहम निष्कंटकम राज्यं करिष्यामि। तो ही यदि उदय सिंह नहीं होगा तो ही अहम यानी मैं, तो ही मैं बिना बाधा का राज्य कर सकूंगा। यदि उदय सिंह नहीं रहेगा तो मैं बिना बाधा के, कोई भी बाधा उत्पन्न हुए बगैर मैं राज्य कर लूंगा और मैं राज्य का अधिकारी बन जाऊंगा। रक्त पिपाशु वन वीर है यानी खून का प्यासा
बनवीर, यहाँ रक्त पिपाशु बनवीर है, हमें बनवीर का बनवीर की विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पर बनवीर तो क्या है, विशेष, और रक्त पिपाशु क्या है, विशेषण। तो रक्त पिपाशु बनवीर है, रक्त का प्यासा बनवीर यानी उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा। यदा अपृच्छत, जब पूछा रक्त पिपाशु बनवीर ने, जब पूछा पुत्र उदय है, उदय सिंह कहाँ है, उदय कहाँ है। पन्ना अवचिता एव स्वपुत्रं प्रति संकेतम अकरोत्, पन्ना धार अवचलित यानी बिना विचलित हुए अपने पुत्र की तरफ संकेत करते हुए कहा, बताया कि उधर अपने पुत्र की ओर संकेत कर दिया बिना डरे हुए, बिना विचलित हुए हुए। जबकि पन्ना धार को पता था कि बनवीर उदय सिंह को मारेगा, लेकिन अपने जो भावी राजा थे उदय सिंह के, उनको बचाने के लिए उन्होंने उदय सिंह की जगह अपने पुत्र को सुला दिया और उदय सिंह को महल से बाहर भिजवा दिया। तो बिना डरे जब बनवीर रात को आया, तो पन्ना धार ने बिना विचलित हुए, बिना डरे हुए अपने पुत्र की ओर संकेत कर दिया। अगले एक क्षण, अगले एक ही क्षण में, आगे आने वाले एक ही क्षण में चंदन से मस्तक खंडे चिन्ह अभवत, चंदन का मस्तक, चंदन का सिर उससे खंडित यानी चिन्ह मार दिया गया, उसे काट दिया गया। चंदन के मस्तक को अगले ही क्षण, आगे थोड़ी सी देर में किसने, बनवीर ने चंदन के मस्तक को काट दिया, शरीर से उसके मस्तक को अलग कर दिया, छिन्न कर दिया। स्वामिनम रक्षितुम पन्ना स्वसंतते उत्सर्गम अकरोत्, स्वामी की रक्षा के लिए, अपने राजा की रक्षा के लिए पन्ना धाय ने स्वसंतते अपनी संतान का उत्सर्ग यानी त्याग कर दिया, अपनी संतान का त्याग कर दिया। धन्य ईदृशम स्वामी भक्ति, धन्य है उसकी ऐसी स्वामी भक्ति, धन्य है किसकी, पन्ना धाय की ऐसी स्वामी भक्ति, धन्य है। अयम अपूर्व त्याग, यह अपूर्व त्याग है, बहुत ही बड़ा त्याग है, जो जिसने कि पन्ना धाय ने अपने स्वामी अपने राजा की रक्षा करने के लिए अपने बच्चे का बलिदान कर दिया। समय करने से राजपुत्र है उदय युवा भूतवा, समय के अनुसार, समय के चक्कर के अनुसार वह जैसे जैसे समय बीता, वह राजपुत्र, वह राजा का पुत्र राजपूत उदय सिंह युवा हो गया। युवा होकर बनवीर युद्ध निहत्ते चित्तौड़ देश से राजा अभवत, बनवीर से युद्ध करके उसको हरा कर चित्तौड़ देश का राजा बना। स एव उदयपुर नगरम अस्थापयत, उसी ने ही उदयपुर नगर की स्थापना की। राजस्थान से इतिहास पन्ना धात्रा चिरऋणी स्था सहते, राजस्थान के इतिहास में पन्ना धार का जो बलिदान है वह चिरकाल तक, लंबे समय तक राजस्थान का जो इतिहास है वह पन्ना धार के बलिदान का पत्र रहेगा, पन्ना धार के बलिदान को हमेशा याद रखेगा, चिरकाल तक लंबे समय तक ऋणी रहेगा। अब इस पाठ में देखिए, इस पाठ का नाम है अपूर्व त्याग। तो यहाँ पे पन्ना धार के अपूर्व त्याग के बारे में बताया है, और उन्होंने अपने राजा की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान कैसे दिया इसके बारे में बताया गया है।